गार्लिक और पीनट की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है आधा कप पीनट, 4 से 5 ग्रीन चिली, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच लेमन जूस और थोड़ा सा नमक। इन सबको हमें एक साथ मिक्सी में पीसना है, तो यहाँ पे मैं इन सब सारी चीज़ों को एक जार में ले लूँगी। यहाँ पे मैंने कच्चा वाला पीनट यूज़ किया है, अगर आप चाहे तो पीनट को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, और अगर और तीखा खाना चाहते हैं तो ग्रीन चिली भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इस चटनी को आप बना के तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो मैं चाहूँगी आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जर का ढक्कन लगा के हम इसको पहले ऐसे ड्राई पीस लेंगे। आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, चाहे फिर समोसा हो, सैंडविच हो या फिर डोसा, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। इसको एक बार बीच में ऐसे ओपन करके चम्मच से हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इस चटनी को आप बना के रेगुलर में सब्जी के साथ भी खा सकते हो, अगर कभी आपको तीखा खाने का मन हो तो। इसे एक बार पीस लेंगे। पीनट का अपना खुद का मॉइस्चर होता है, तो यहाँ पे पानी नहीं डालना है ज़्यादा। अब फिर से इसको एक बार हिला लेंगे। इसके बाद 2 से 3 चम्मच जितना थोड़ा सा पानी डालना है, जितना कम पानी डालेंगे इतना ज़्यादा दिन ये रहती है अच्छे से फ्रिज में। तो यहाँ पे ये हमारी चटनी जो है वो रेडी है, तो अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको हम निकाल लेंगे।